संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, विपक्ष की रणनीति साफ है। राहुल गांधी ने ट्वीट भी कर दिया है कि आज संसद में किसानों का सूरज उगाना है। केसी वेणुगोपाल साहब हमारे साथ में, कांग्रेस के सांसद। सर, सरकार तो कह रही है कि तीनों कृषि कानून अब हम वापस कर रहे हैं, तो फिर अब क्या गतिरोध? बिल्कुल ओके, तीनों कृषि कानून वापस करने लिए अच्छा बात है, बट मेजर इशू इज MSP इशू। जी, MSP इशू, वी नीड, फार्मर्स ऑलरेडी आस्क फॉर ए लॉ फॉर MSP इशू। जी, वी आर प्रेसिंग ऑन इट। देन द MOS होम्स फाइनेंस का इशू है। जी, देन दूसरा कॉम्पेंसेशन फार्मर्स का इशू, कॉम्पेंसेशन इशू, तीनों इशू पर हम लड़। सर, MSP जैसे मुद्दे सालों से चले आ रहे हैं, आपकी सरकार के दौरान भी थे, अब मोदी सरकार के दौरान भी हैं, क्या अगर किसान इसी तरीके से बैठे रहेंगे, विपक्ष ये इसी तरीके से गतिरोध करता रहेगा, तो संसद चलेगी कैसे? बिल्कुल, रिपीलिंग के बिल, व्हेनेवर द रिपीलिंग ऑफ बिल इज कमिंग, वी विल कोऑपरेट विद गवर्नमेंट, वी विल कोऑपरेट विद देम, बट वी विल स्ट्रेस द इश्यूज ऑफ फार्मर्स। तो साफ तौर पर अगर हम बात करते हैं केसी वेणुगोपाल की, सबके बीच में हरनाज सिंह यादव से एक सवाल पूछ लेते हैं, जो राहुल गांधी ने कहा। हरनाज जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज संसद में सूरज उगाना है अन्नदाता के नाम का। देखिए राहुल गांधी, इस देश का जो लोकतंत्र है, इस देश का जो संसद है, जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, उसको बर्बाद करना चाहते हैं। देश के अंदर, देश की जनता के अंदर जो है अनास्था पैदा करना चाहते हैं। और राहुल गांधी किसका खेल खेल रहे हैं, किस इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, ये देशवासी पूरी तरीके से समझ रहा है। उनका किसान के किसान हितों से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। इसलिए राहुल गांधी को देश की जनता अब गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लेती। लेकिन केसी वेणुगोपाल को भी हमने सुना, अभी हम बात कर रहे थे, आप यहाँ मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि और भी MSP और जो है उसके अलावा कई सारे और मुद्दे हैं, जिसमें कंपनसेशन की बात है, जिसमें और भी कई सारे मुद्दे हैं, जब तक वो नहीं होते तब तक कैसे हम? देखिए मेरा ये कहना है, एक तो कांग्रेस और सभी विपक्षी दलों से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि लंबे अरसे तक वो सत्ता में रहे, उन्होंने MSP का कानून क्यों नहीं बनाया? वो सबसे किसानों की जो दुर्गति है, किसानों की जो तबाही है, उसके लिए विपक्ष पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को बदहाली को सुधारने के लिए, किसानों को शक्तिशाली ताकतवर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यानी साफ तौर पर विपक्ष की अपनी दलीलें हैं, BJP की अपनी दलीलें हैं, और जिस तरीके का जो रुख सामने आ रहा है, निश्चित तौर पर संसद का ये शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार रह सकता है, लेकिन शुरुआत की जाए कृषि कानूनों की, तो उसको लेकर भी विपक्ष का यही कहना है कि MSP जैसे भी कई भी और मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना जरूरी है। अंकित गुप्ता, BP न्यूज, दिल्ली। ABP न्यूज, आपको रखे आगे।